दोस्तों, इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने जैसे कि आपको बताया था कि पब्लिक न्यूसेंस क्या होता है, और पब्लिक न्यूसेंस के अगर कोई इर्तिकाब हो जाए पब्लिक न्यूसेंस का, तो उसके मुताबिक किस तरह से हम कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं। मैंने आपको बताया था कि पब्लिक न्यूसेंस का इर्तिकाब हो जाए तो सेक्शन 133 के तहत जो है वो एक एप्लीकेशन जो है दर्ज अव्वल मजिस्ट्रेट को दी जाती है। उस एप्लीकेशन पर वो पुलिस रिपोर्ट कॉल करता है, विटनेसेस लेता है, और विटनेसेस लेने के बाद वो 133 के तहत एक ऑर्डर, कंडीशनल ऑर्डर जारी कर देता है। और कंडीशनल ऑर्डर से मुतालिक से मुराद ये होता है कि वो ऑर्डर फॉर द टाइम बीइंग जारी करता है। और उसके बाद जब वो केस की समाप्त होती है, अगर जिस पर ये पब्लिक न्यूसेंस चलाया गया है वो ये बात साबित कर देता है कि वो जगह उसकी अपनी प्रॉपर्टी है, उसका पब्लिक से ताल्लुक नहीं है, तो फिर मजिस्ट्रेट इसको सिविल अदालत की तरफ भेज देता है। और अगर पब्लिक न्यूसेंस साबित हो जाता है तो फिर सेक्शन 137 और 136, 37 और 39 के तहत जो है वो मजिस्ट्रेट एक एब्सोल्यूट यानी हतमी ऑर्डर उस न्यूसेंस को रिमूव करने के लिए या किसी ऐसे काम को जो न्यूसेंस का बाइस बन रहा है उसको रोकने के लिए ऑर्डर जारी कर देता है। आज मैं इस लेक्चर में आपको ये बताऊँगा कि पब्लिक न्यूसेंस और प्राइवेट न्यूसेंस में क्या फ़र्क होता है। प्राइवेट न्यूसेंस और पब्लिक न्यूसेंस में फ़र्क ये है कि पब्लिक न्यूसेंस जो है वो एक आवाम के लिए तकलीफ का बाइस है, एक ऐसा अमर है जो आवाम के लिए तकलीफ का बाइस हो, और प्राइवेट जो न्यूसेंस है वो एक ऐसा अमर है जो सिर्फ फर्द वाहिद के लिए तकलीफ का बाइस बनता है। और दूसरी बात ये है कि पब्लिक न्यूसेंस एक क्रिमिनल एक्ट है, जबकि प्राइवेट न्यूसेंस क्रिमिनल एक्ट नहीं है। पब्लिक न्यूसेंस में आप दरख्वास्त जो जमा कराते हैं उसमें फ़र्द वाहिद दरख्वास्त नहीं दे सकता, उसमें आवाम के चंद नुमाइंदे जो है वो 133 की दरख्वास्त जो है मजिस्ट्रेट को जमा कराते हैं। लेकिन प्राइवेट न्यूसेंस में दरख्वास्त एक ही आदमी देगा, जिसको उस अमर से किसी शख्स के ऐसे फेल और से के इर्तिकाब करने से उसको तकलीफ़ पहुँची है वो उसको दरख्वास्त देगा उस सिविल अदालतों के अंदर। पब्लिक न्यूसेंस में क्योंकि पुलिस ऑर्डर होता है, पुलिस को ऑर्डर करता है मजिस्ट्रेट कि इससे रुकवाया जाए और इसको रिमूवल न्यूसेंस को रिमूव किया जाए, जबकि यहाँ पर प्राइवेट न्यूसेंस के अंदर हम डैमेजेस की मांग करते हैं, हम क्लेम करते हैं, हम डैमेजेस मांगते हैं। पब्लिक न्यूसेंस में हम क्लेम नहीं मांग सकते, हमारी मांग क्लेम नहीं होती है, हम सिर्फ पब्लिक न्यूसेंस में उस रिमूवल को हटा सकते हैं, ऑर्डर उसके रिमूवल न्यूसेंस को रिमूव करने का होता है, उस न्यूसेंस को हटाने का ऑर्डर होता है। ये बातें मैंने पिछले लेक्चर में की थी। अब मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर कोई आदमी फ़र्द वाहिद एक न्यूसेंस क्रिएट करे एक फ़र्द वाहिद के लिए, या एक ग्रो न्यूसेंस क्रिएट करे एक फ़र्द वाहिद के लिए, एक इंडिविजुअल किसी के काम से किसी के अमल से जो है वो मुतासिर हो रहा है, एक इंडिविजुअल, तो अब ये कैसे रेमेडी लेगा? ये 133 की एप्लीकेशन नहीं जाएगा, ये क्रिमिनल एप्लीकेशन नहीं लगाएगा, ये लगाएगा डैमेजेस का सूट उनके खिलाफ फाइल करेगा, ये क्लेम मांगेगा जो इसका नुकसान हुआ है उसका। तो प्राइवेट न्यूसेंस की सूरत में डैमेजेस फाइल किए जाते हैं, जो नुकसान हुआ होता है वो नुकसान लिया जाता है, न्यूसेंस ही खाली जो है रिमूव नहीं कराई जाती बल्कि डैमेजेस क्लेम किए जाते हैं। ये किस तरह के न्यूसेंस हो सकते हैं? मेरे घर के दरवाजे के सामने जो है किसी ने ट्रक लाकर खड़ा कर दिया, अब मुझे निकलने में परेशानी है, मुझे आने जाने में परेशानी है, बाकी के लोगों को नहीं है, तो ये प्राइवेट न्यूसेंस के ज़िम्मे में आएगा। इसी तरीके से एक जगह जहाँ मेरा घर है और मुझसे कई दूर दूर घर बने हुए, अब मेरे घर के सामने एक शराबखाना खुल जाता है या एक ऐसा क्लब खुल जाता है जहाँ आबाश लोग बैठे हुए होते हैं, आबाश बदमाश बैठे होते हैं, मेरे घर वालों के लिए, मेरे लिए ज़ाती तौर पर प्रॉब्लम है, मुझे आना जाना मसला होता है, मुझे जो है तकलीफ पहुँचती है, तो ये भी प्राइवेट न्यूसेंस में आएगा। एक और बात यहां अर्ज करता चलूं कि लाउड स्पीकर्स और म्यूजिक जो लोग घरों में बजाते हैं, ये पब्लिक न्यूसेंस में भी आता है, ये प्राइवेट न्यूसेंस में भी आता है। एक लाउड स्पीकर जो है उससे आम पब्लिक भी मुतासिर हो रही होती है, और उस लाउड स्पीकर से उसके चलने से एक फ़र्द वाहिद भी मुतासिर हो रहा होता है। तो इस पर पब्लिक की तरफ से अगर इसको रुकवाया जाए, म्यूज़िक बजाया जा रहा है किसी घर में, बहुत ऊंची ऊंची तकरीरें हो रही हैं कहीं पर लाउड स्पीकर पे, तो 133 के ज़रिए हम इसको क्रिमिनल प्रोसीजर में भी ले जा सकते हैं, डैमेजेस और क्लेम भी फाइल कर सकते हैं, ज़हनी आसूदगी और आराम में खलल डालने का और एक आदमी के फ्रीडम को इंजर करने के लिए हम क्लेम भी दाखिल कर सकते हैं। तो ये वो अवामिल हैं। इसी तरह देखें क्या मोहल्ले में जनरेटर चल रहा होता है, किसी
घर के अंदर, और उस जनरेटर की आवाज सामने भी आ रही होती है, इधर उधर भी आ रही होती है आसपास, तो वो जनरेटर की आवाज भी एक्चुअली पब्लिक न्यूसेंस है और प्राइवेट न्यूसेंस में भी शुमार होता है। तो अगर चंद लोग मिलकर उसके खिलाफ 133 की एप्लीकेशन लगाएंगे तो अदालत उसको, उस जनरेटर को वहां से रिमूव करने का ऑर्डर करेगी। और अगर कोई पर्सनली उससे जो है वो मुतासिर हो रहा है, उसका ज़हनी सुकून खराब हो रहा है, उसकी समाअत खराब हो रही है, वो अपने घर में सुकून से रह नहीं पा रहा है, तो वो उसको जो जो मेंटल इंजरीज हुई है वो उसका क्लेम और डैमेजेस फाइल कर सकता है ऐसे शख्स पर। तो मेरे आज के लेक्चर में मैंने आपको सेक्शन 133 पब्लिक न्यूसेंस और प्राइवेट न्यूसेंस दोनों के मुताबिक बताया। इंशाल्लाह हम अगले लेक्चर में आपको ख्वातीन के हुकूक के बारे में और जो कवानीन पास हुए, ऑर्डिनेंस पास हुए, उनके बारे में और ख्वातीन की विरासती जायदाद के बारे में, उसके बारे में हम इंशाल्लाह आपको बताएंगे। शुक्रिया।